आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट कुलचे की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे सेम तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला कुलचा आप घर पर नॉर्मल तवे पर बना सकते हैं। मसाला कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें जाएगा नमक 1 चम्मच। अब ऐड कर देंगे इसमें 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। अब इसमें जाएगा रिफाइन तेल 2 चम्मच या फिर घी। अब ले लेंगे 1 चम्मच चीनी और छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही। अब हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से सभी को मिलाने के बाद डो लगाकर हम तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही लें, जिससे कि डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। जब डो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो ये अच्छे से बेल नहीं पाएंगे आप, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही लें। तो अब हम थोड़ा सा और पानी ले लेंगे और अच्छे से मसल मसल कर डो लगाकर तैयार करेंगे, जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट कुलचे बनकर तैयार हो। तो कुलचा तो सॉफ्ट बनेगा ही, साथ ही साथ ये मार्केट के कुलचे जैसा स्वादिष्ट कुलचा भी बनेगा, वो भी घर के नॉर्मल लोहे के तवे पे। आप देख सकते हैं कि डो लगकर तैयार हो चुका है, तो हम इसे ढककर आधा घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो अब मसाला बनाकर हम तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए 2 बड़े साइज के आलू को उबाल के मैश करके ले लिया है। अब इसमें जाएगा प्याज बारीक कटी हुई, नमक 1/2 चम्मच, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है, जिससे कि मसाला तीखा ना हो, सिर्फ कलर के लिए थोड़ा सा मैंने ले लिया है सब्जी का मसाला, जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा। 1/2 चम्मच चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी कसूरी मेथी की जगह पर ले सकते हैं। प्याज मसाला नमक सभी आलू में बहुत अच्छे से मिल चुका है। कुलचा बनाने के लिए आलू का यह मसाला रेडी है। तो अब हम चलते हैं कुलचा बनाने के लिए। तो वापस से हमें फिर से डो को ले लेना है, ढक्कन को हटाकर एक बार हाथों से अच्छे से इसे मिला लेना है। तो डो को मिलाने के बाद हम इसे 2 भाग में काटकर इसे डिवाइड कर देंगे। इसे काटने के बाद एक को साइड कर देंगे और दूसरा का हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लोई बनाने के बाद इसे सूखे मैदे में लपेट कर रोटी जैसा बेल लेंगे। जिस तरह से आप रोटी नॉर्मली बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बेल लेंगे। तो रोटी तो पतली होती है ना, लेकिन इसका बेस आपको मोटा रखना है। ये तो मैदे का डो लगा हुआ है ना, तो इसे बेलने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। आप इसे बेलते जाएंगे इसमें थोड़ा सा खिंचाव आएगा, लेकिन डोंट वरी, आप इसे सूखे मैदे लगाकर आप आराम से इसे धीरे धीरे करके बेल लीजिए। तो बस इतना साइज में बेलने के बाद इसके ऊपर 1 चम्मच भर कर आलू का मसाला ले लेंगे और इस तरीके से किनारों को मोड़ते हुए पोटली जैसा कर लेंगे। पोटली जैसा करने के बाद इसके ऊपर का जो एरिया है उसे अच्छे से बंद करके इसे फोल्ड कर लेंगे और सूखे मैदे में लपेट कर इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो बेलने से पहले इस तरीके से इसे हाथों से दबाते हुए इसे बड़ा शेप दे देंगे। बड़ा शेप देने के बाद तब इसे बेलना शुरू करेंगे, जिससे कि बेलते समय ये ना फटे। तो मैंने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं कुलचा को सेकने के लिए। तो कुलचा को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे लोहे का ही तवा यूज किया है। तो इसे तवा पे रख लेने के बाद उसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। इसके ऊपर पानी लगाने के बाद हम थोड़ा सा तवे पे भी पानी छिड़क देंगे, जिससे कि पानी इसके अंदर चला जाए, जिससे कि कुलचा बहुत अच्छे से तवे में चिपक जाए। कुलचा वाला प्यारा सा लुक इसमें ऐड करने के लिए फाइनली हम इसके ऊपर मंगरेला को स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो धनिया पत्ती, कसूरी मेथी दोनों ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी एक को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये पक चुका है। दूसरे साइड से हम इस तरीके से इसे पलट कर डायरेक्ट आग में पकाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सा सोना सा खुशबू इसके ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसका बेस इस तरीके से हो गया डायरेक्ट आग में सेकने से। तो ये बहुत अच्छा कुलचा बनकर तैयार हुआ है। दूसरे साइड से आप देख सकते हैं कि इसका लुक इस तरीके का है। तो वैसे तो ये कुलचा फाइनली बनकर तैयार हो चुका है, बस इसके ऊपर घी लगाकर इसे सर्व कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा इसके दोनों साइड से मैं घी लगा देती हूँ। दोनों साइड से घी लगाकर इसे मैं अच्छे से अलट पलट करके सेक देती हूँ। चारों तरफ से घी लगाकर सेकने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये टेस्टी भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत इसमें कच्चापन बाकी भी होगा, तो ये अच्छे से पक जाएगा। आप दोनों साइड से इसका लुक देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट है। तो मार्केट जैसा मसाला कुलचा घर पर बनकर तैयार है। तो आप इसे खट्टी मीठी चटनी, अचार या फिर छोले के साथ सर्व करें और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करें। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। सेम तरीके से आप भी कुलचा की इस रेसिपी को बनाइए। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इसे जब आप बनाकर खाएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है या फिर मार्केट से लाया है।
तो बिल्कुल मार्केट वाले स्वाद वाले कुलचा आप घर पर सेम तरीके से बनाइए, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। कुलचा के अंदर जो हमने यमी शमी मसाला ऐड किया है ना, उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। मुंह में पानी लाने वाला मसाला कुलचा की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना सुझाव मेरे साथ शेयर करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।